हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। अगर आपको आज का रेसिपीज़ आज का व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नया नया वीडियोस आप देख सके। और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। हाय गाइस, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। तो आज हम बारबेक्यू करने जा रहे हैं। मेरे चैनल पे दो तंदूरी चिकन का रेसिपीज़ है, एक बांग्ला में और एक इंग्लिश में। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। उसी रेसिपी से हम लोग बारबेक्यू करने जा रहे हैं। एक चिकन टिक्का बनाएंगे स्कीवर पे लगा के, और एक जो टंगड़ी कबाब जैसे होते हैं ना, लेग पीस, उसका हम लोग बारबेक्यू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं बारबेक्यू। मैं नहा धो के, फ्रेश होके, सनस्क्रीन लगा के चली आई। मेरे हस्बैंड आज बारबेक्यू कर रहे हैं। अभी संडे है, संडे का दोपहर, तो ये हमारा लंच होगा। और मैं एक स्पेशल दाल और राइस बना लिया, खीरा काट लूँगी, दही ले लूँगी, बहुत अच्छा लंच हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बारबेक्यू करते हैं। और एक बात, मेरा कुकिंग रेंज है, तो कुकिंग रेंज पे इलेक्ट्रिक पे बेकिंग, ब्रॉयल, सब कुछ होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो कोयला का होता है, कोल का, बंगाली में कोयला बोलते हैं, उसका हम लोग बारबेक्यू मशीन खरीदे हैं। बहुत हैंडी है, हम यूज़ करके फिर गैरेज पे रख देते हैं। और इलेक्ट्रिक का होगा तो कवर करना पड़ेगा, उसको हिला भी नहीं सकते, भारी होते हैं, तो इलेक्ट्रिक का नहीं खरीदे, क्योंकि घर पे किचन पे ऑलरेडी है इलेक्ट्रिक का। तो ये कोयले का है और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं कोयले का, जो तंदूरी का फ्लेवर, रियल जो तंदूर का फ्लेवर वो देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं बारबेक्यू। देखिए, मेरे हस्बैंड अभी कोयले पे आग लगा रहे हैं। आग लग के गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। ये है पूरा मशीन, साइड पे ढक्कन है। इधर समर पे, यूएसए पे समर पे करते हैं सब लोग बारबेक्यू। हमें विंटर पे भी अच्छा लगता है, समर पे भी अच्छा लगता है। मुझे कमेंट करके बताना किस किस को तंदूरी चिकन पसंद है, किस किस को बारबेक्यू पसंद है, और कौन कौन ऐसे बारबेक्यू करते हैं कोयले का। आप गैस पे जितना भी तंदूरी, ग्रिल पैन पे करो तंदूरी चिकन, अंदर थोड़ा कोयला डाल के, लेकिन ऐसे फ्लेवर नहीं आते, ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होते हैं, बहुत अच्छे लगता है। हम ऐसे कोयला यूज़ करते हैं। देखिए, अभी देखिए आग लग गया, और ऐसे ढक्कन लगा के रखना पड़ता है कुछ देर के लिए, कि पूरा कोयले पे आहिस्ता आहिस्ता आग लग जाए, धुआं निकल रहा है। बारबेक्यू मतलब कोयला, ज़्यादा कोयला दे के ज़्यादा फ्लेम होगा तो बारबेक्यू पूरा जल जाएगा। मैं एक टिप्स दे देती हूँ, ये और कुछ नहीं, जैसे मिट्टी का, बंगाली में ऊन ऊन बोलते हैं, मिट्टी का चूल्हा होता है ना, अभी भी इंडिया पे मिलते हैं, वेस्ट बंगाल पे तो मिलते ही हैं, उससे उसके ऊपर ग्रिल रख के कोयला दे के भी आप ऐसे बारबेक्यू कर सकते हो। अभी आग पूरा अच्छा करके जल गया, अभी आग थोड़ा कम हो जाएगा तब बारबेक्यू पे बिठा देंगे। देखिए, थोड़ा कम आग पे कीजिएगा बारबेक्यू तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा जल जाता है। कोयला अच्छा करके जल के पूरा वाइट वाइट हो जाए, देखिए नीचे का कोयला वाइट है, तभी देना चाहिए चिकन या मटन, आप जो भी कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, और मैंने रेड फूड कलर नहीं डाला, जो तंदूरी चिकन का रेसिपी मैं मेरे चैनल पे दिया उस पर मैं रेड फूड कलर डाली थी कि वो अच्छा हो जाए, अच्छा दिखने में लगे रेस्टोरेंट स्टाइल। ये घर पे हम लोग खा रहे हैं, कोई गेस्ट भी नहीं आया, तो रेड फूड कलर नहीं डाला। और फूड कलर सिंथेटिक होते हैं, हर चीज़ में डालना, हर वर्ड डालना ठीक नहीं है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत टेम्पटिंग है। देखिए, मेरे डाइनिंग टेबल पे मैंने पूरा प्लेट लगा दिया, टिश्यू लगा दिया। और एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी तो लेग पीसेस हो रहा है,
और मैंने ऐसे टिक्के का मैरिनेशन के साथ ऐसे रख दिया। थोड़ा घी या ऑलिव ऑयल जो भी हो थोड़ा बीच बीच में ब्रश कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब ओवन पे भी तंदूरी चिकन बनाइएगा तो ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना। इधर मैंने चार कलर का बेल पेपर्स लिया, ग्रीन कैप्सिकम, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कलरफुल खाना। वो लेग पीसेस हो जाएगा ना, फिर ये टिक्का बनाएंगे। और एक चीज मैं दिखाती हूँ, देखिए हम लोग जब ये घर खरीदे थे तो इधर से हम लोगों को ये गिफ्ट मिला था, ये बैग। ये बैग देखिए कितना अच्छा बैग है। नहीं ये ट्रैवल बैग नहीं, देखिए ये बारबेक्यू का बैग, पूरा बारबेक्यू का किट सारा कुछ है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग यूज़ करेंगे ये। इसके साथ ऐसे रुमाल दिया, हैंकरचीफ। इसके साथ ये दिया सॉल्ट एंड पेपर के लिए, अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। ये छोटा सा चॉपिंग बोर्ड, छुरी, फोर्क टाइप, ये फोर्क नहीं है शायद, कोई बारबेक्यू के लिए कुछ होगा, टोंग सब कुछ है। अभी मैं नहा धो के हो गई फ्रेश, नहा के शुरू किया था बारबेक्यू। और अभी खीरा काट लूँगी, राइस और दाल है। ये दाल बहुत स्पेशल दाल है, मेरे हस्बैंड का पसंदीदा दाल है। मैं कभी शेयर करूँगी वो रेसिपी भी। गर्मी में कभी कभी जैसे कॉम्पैक्ट स्टेपल फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस और कॉम्पैक्ट फूड आप खाओ ना अच्छा लगता है। 10 आइटम बना के ओवर ईटिंग करके मतलब बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और जैसे इधर कोई मेड सर्वेंट्स का तो कुछ नहीं है तो सारा दिन काम करना पड़ता है, हस्बैंड को भी मुझे भी। अब बाहर काम करो या घर पे सारा दिन काम के ऊपर ही रहते हो तो थोड़ा स्टेपल फूड है, थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड है, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और एक साथ बहुत सारा ना खा के आप 2 घंटा थोड़ा थोड़ा इंटरवल दे के जैसे कुछ फल खा लिया, दही खा लिया, नट्स खा लिया, नॉर्मल आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स ये तो करेंगे, वो छोटा छोटा पोर्शन पे खाओ तो खुद को भी थोड़ा फिट फील होता है। फिटनेस बड़ी बात है। तो पूरा बारबेक्यू करके मैं आपको दिखाऊंगी। इधर बाहर ठंडा लग रहा है इसीलिए मैंने सिंथेटिक पहनी हूँ, हस्बैंड कॉटन का पहने हैं, उनको इतना नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही ठंडा लग रहा है। और आप बारबेक्यू करोगी तो सिंथेटिक नहीं पहनना, मैं थोड़ा हेल्प कर रही हूँ तो इसीलिए इट्स ओके। आज वेदर बहुत अच्छा है, जैसे इंडिया पे, कलकत्ता पे या गर्म जगह पे जो है दिसंबर पे जो वेदर होता है एंड ऑफ दिसंबर, ठंडा भी है और सनी वेदर ऐसे है। गर्मी हो गया था फिर ठंडा हो गया। तो हम लोग अभी लंच करेंगे, लंच करके हम लोग निकल जाएंगे। अगर हो सके तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी बारबेक्यू मुँह से बारबेक्यू यार है उधर भी वीडियो करेंगे। मुंह पे पानी आ गया बारबेक्यू बोलते बोलते, इतना अच्छा लगता है। मुझे हर तरीके का फूड अच्छा लगता है जो ज़्यादा स्पाइसी ऑयली ना हो कि देख के डर लगे, लाल एकदम कलर की देख के डर लगे बाप रे कितना स्पाइसी ऑयली है, ऐसे नहीं पर टेस्टी हो, थोड़ा सा हेल्दी भी हो, और वो खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडियन फूड, बाहर का फूड, हर तरीके का खाना जो हेल्दी एंड टेस्टी है मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं बारबेक्यू का क्या हाल है। अभी तो लेग पीस हो रहा है, फिर ये टिक्का दे देंगे। मैं तो आज दाल राइस कुछ नहीं खाऊंगी, हस्बैंड के लिए गर्म करूंगी मैं खीरे के साथ, और एक लस्सी बनाऊंगी अभी क्योंकि मैं नहा के आई हूँ ना, मुझे थोड़ा भूख लग गया। तो लस्सी और खीरा और ये बारबेक्यू खा के मेरा पेट भर जाएगा। फिर बाहर निकालना भी है, बाहर जाना है, निकलना। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं बाहर जाना है, निकलना नहीं। ओके बाहर जाना भी तो है। देखिए अभी लगा दिया टिक्का और लेग पीस हो गया, लेग पीस अभी उठा लेंगे।
मिट्टी का जो चूल्हा होता है उस पे ऐसे ग्रिल लगा के आप नीचे कोयला देके कर सकते हैं। आपके पास जैसे बैकयार्ड नहीं हो, बैल्कनी या छत पे कर सकते हैं, लेकिन कॉटन का ड्रेस पहन के और दो तीन जन मिल के कीजिएगा, अकेला ना कीजिएगा। और इसको मेरे हस्बैंड बीच बीच में थोड़ा घी ब्रश कर रहे हैं। घी ब्रश करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फ्लेवर इन्हेंस होते हैं। अभी मैंने लस्सी बना लिया और खीरा भी काट लिया। देखिए उस दिन दिखाए थे ना पम्पकिन का, जो कुमड़ो बोलते हैं बंगाली में, पम्पकिन का कद्दू का छोटा छोटा पौधा अभी बड़ा हो गया, ठीक ठाक पानी दिया, बड़ा हो गया बस। तंदूरी चीज़ रायता के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। मेरा आज मन हुआ क्योंकि घर पे ही खा रहे हैं हम दोनों, लस्सी बना लिया, सैलड काटूंगी, दाल और चावल है, मैं तो नहीं खाने वाली दाल चावल, इससे ही पेट भर जाएगा। इतना अच्छा वेदर है, सुहानी मौसम, कोई गर्मी नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा गर्मी हो जाए क्योंकि अभी अप्रैल का एंड होने वाला है, अभी तक गर्मी नहीं आया, इसलिए मेरा बोगनवेलिया ब्लूम नहीं हो रहा है अच्छा करके। थोड़ा थोड़ा ब्लूम हो रहा है, फिर पत्ता सब गिर रहा है, तो गर्मी हो जाएगा तो थोड़ा ब्लूम हो जाएगा। ये देखिए मेरा नीम का पत्ता, लाल लाल छोटा छोटा पत्ता आ रहा है, ये भी हम खाते हैं। और ये देखिए ये छोटा सा फूल हुआ वाइट, इसको इंग्लिश पे गार्डेनिया बोलते हैं, हिंदी नाम मुझे मालूम नहीं, और बंगाली में इसको गोंधराज बोलते हैं। ये थोड़ा नेग्लेक्टेड है, पीछे है, सामने जो इस फ्लावर का जो पौधा है सामने, वो बहुत बड़ा पौधा है, बहुत अच्छा है। देखिए थोड़ा ऑयल और घी ब्रश कर दिया, अब घी ही ब्रश करना। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। अभी मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट हो गया, ज़्यादा जला भी नहीं और कच्चा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये लस्सी पे मैंने क्या डाला, फ्रेश पुदीना, बाहर बहुत सारा पुदीना है और एक पॉट पे भी है, पार्सली के साथ छोटा छोटा पुदीना, नींबू इसमें डाला, थोड़ा करके डाला, और मैं शुगर फ्री डाला, इस पे चीनी नहीं डाली, और थोड़ा जो हिमालयन पिंक सॉल्ट वो, नमक और दही, थोड़ा सा पानी, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। रायता नहीं बनाई मैंने क्योंकि खीरा के साथ ये खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी ढक्कन लगा दिया, अभी वो टिक्का हो जाएगा। मुझे थोड़ा बेल पेपर्स अच्छा लगता है, ऑनियन डालना भी अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी आग पकड़ लिया था बारबेक्यू का मशीन, तो मैंने ऑनियन काटने का मुझे टाइम नहीं मिला, और ऑनियन करती हूँ तो अकेले ही खाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा छोड़ दो, सिर्फ चार कलर के बेल पेपर्स डाल के बनाते हैं। ऐसे आप पनीर बना सकते हो और मशरूम दे सकते हो इसके साथ, बेबी कॉर्न दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो। कैरेट्स अगर आप देंगे तो थोड़ा क्यूब करके देना चाहिए। इधर समर पे ही ऐसे बारबेक्यू करते हैं, दे एंजॉय समर, क्योंकि नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका तो ठंडा है ना, दो तीन जगह जैसे फ्लोरिडा गर्म और ठंडा बहुत है, थोड़ा वेस्ट बंगाल जैसा वेदर है, इतना स्वेटिंग नहीं होता है, ह्यूमिड नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर वेदर है, तो मुझे इधर का वेदर बहुत अच्छा लगता है। छोटी थी तब लस्सी खाती थी, इधर मूंछ हो जाता था ऐसे, बहुत अच्छा लगता था, मुंह पे लग जाएगा, इधर मूंछ हो जाएगा,
अभी बारबेक्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। अभी हो गया हमारा बारबेक्यू, बारबेक्यू कंप्लीट। अभी हम लोग खा लेंगे। चिकन टिक्का हो गया, बहुत यम्मी हुआ। लेग पीस आप देख रहे हैं, एक ही पड़े हुए हैं, सब हमारा पेट पे चले गए। अभी देखिए ये फाइनल लुक है बारबेक्यू का, और एक लेग पीस है। टेबल का अभी टेबल का ऐसे हाल है। दाल चावल खीरा सब ले लिया, लस्सी ये देखिए खीरा मैंने काट लिए थे, खा भी रहे हैं। अभी सब कुछ है इधर, दाल चावल खीरा चिकन टिक्का लस्सी सब कुछ है। मुझे कमेंट करके बताइएगा किन किन को चिकन टिक्का तंदूरी चिकन पसंद है, और कौन कौन बारबेक्यू करते हैं। नहीं भी करते हैं तो रेस्टोरेंट पे जाके बारबेक्यू किया हुआ फूड खाना पसंद करते हैं। मैं सीज़लर भी बहुत पसंद करती हूँ, मुझे लगता है सभी लोग ही पसंद करते हैं ऐसे कबाब टिक्का ये सारा चीज़। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। अभी मैं ले लूँगी मेरा फेवरेट चिकन टिक्का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उस दिन संडे बारबेक्यू किया, फिर आप लोगों को बोले थे कि शाम को हम निकलेंगे और शाम को एक जगह घूमने जाएंगे, शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, और उसका भी व्लॉग उठा के एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग मॉल पे गए पहले, तो सारे मॉल सारे दुकान सब बंद था, सिर्फ वॉलमार्ट खुले हुए थे। जो जो शॉपिंग मॉल जो जो ड्रेस शॉप रात को 1 बजे 1:30 बजे तक खुला रहता है वो भी बंद था पूरा दिन के लिए। उस दिन ईस्टर था, हैप्पी ईस्टर। तो इधर ईस्टर पे हम लोग कभी नहीं निकले शॉपिंग करने के लिए, तो हमें मालूम भी नहीं था ईस्टर पे बंद होते हैं। तो हम लौट के चले आए, वॉलमार्ट गए, कुछ कुछ शॉपिंग किया। पहले मैं ये दिखाती हूँ, ऐसे 3 डब्बा है कांच का। मुझे प्लास्टिक का डब्बे पे सिर्फ स्पाइसेस या होल स्पाइसेस दाल चावल मुझे चलता है, लेकिन खाना स्टोरेज करने के लिए या कुछ फ्रोजन करने के लिए नहीं चलता है। तो ये मैंने 3 लिया, ऐसे मेरे पास बहुत है। और देखिए ये लिया ये सिंदूर का डब्बा जैसे है, इधर चॉकलेट्स रखा जाता है। मैंने सोचा मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रखूंगी, नहीं तो सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं ना बहुत हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो अभी बहुत ट्रेंड में भी है सनफ्लावर सीड्स पम्पकिन सीड्स ये सब खाना। तो मेरे चैनल पे एक रेसिपी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। सनफ्लावर सीड्स ऐसे गर्मी के सीजन पे इवनिंग स्नैक के तौर पे बहुत हल्का भी होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, तो वो बना के इधर रख सकती हूँ। इस पे जो सनफ्लावर सीड्स मैं रखूंगी ना वो 3 दिन का इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना ये डब्बा, मुझे कांच का ये जार मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मिस्टर एंड मिसेस कप। ये मिसेस कप मैंने वॉलमार्ट से लिया। ये कप तो मुझे बहुत दिनों से दिख रहा था, लेकिन इसका मिस्टर गायब था। देखिए 2 साइड पे मिस्टर लिखा हुआ है, वैसे ही 2 साइड पे मिसेस लिखा हुआ है। तो हमारे शाम की चाय के लिए या कभी कभी हम लस्सी भी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं। ये कप मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कप मिस्टर एंड मिसेस। और अमेजन से मेरे हस्बैंड ने ये खरीदा, ये भी आपको दिखा लेती हूँ। बाहर का जो छोटा सा गार्डन है इसके लिए, उसके लिए है ये चीज। ऐसे गार्डन में ऐसे गाड़ देना पड़ेगा इसको। इस पे ये सोलर लाइट है, ये 2 पीसेस पे आते हैं बॉक्स पे।
जैसे इस पे कोई बैटरी कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा जब जिस दिन धूप अच्छा निकलेगा, फ्लोरिडा पे अच्छा ही धूप निकलते हैं, ये सोलर पैनल इसको ले लेगा और रात को लाइट देगा, तो पुराने जमाने की लुक आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज गार्डन का डेकोरेशन करने के लिए। उस दिन मैं बोली थी मेरे चैनल पे तंदूरी चिकन का जो रेसिपी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो किसी को इसका भी लिंक चाहिए ये लाइट का मुझे बताना ज़रूर, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी अगर आपको चाहिए है तो। और ये देखिए अभी समर सीजन है तो डिटॉक्स वाटर खाना पीना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 साल से पीती हूँ, ऐसे एक बॉटल खरीद लीजिए, देखिए इसके अंदर एक कैंडल है, इधर मैंने डाला खीरा जो कुकुम्बर होते हैं, शोशा बोलते हैं बंगाली में, पुदीना के पत्ता, अदरक और लेमन स्लाइसेस। ये आपका यूरिन क्लियर करते हैं, गर्मी में पानी सफिशिएंट ना पियो तो यूरिन पास करने के वक्त ट्रबल होता है, क्रैम्पिंग होते हैं। मैं इसको अच्छा करके पी के एक बॉटल फुल नहीं, हाफ बॉटल से भी कम पी के फिर मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, इवनिंग वॉक पे। ये बहुत अच्छा चीज़ है लेकिन ये सारा दिन का है। आप सुबह उठ के खीरा, लेमन स्लाइस, मैंने 2 लेमन स्लाइस लिया, एक ही काफ़ी है, और छोटा छोटा 4-5 पीस खीरा लिया, पुदीने के पत्ता लिया और इतना सा अदरक लिया, ये 4 चीज़ आपको देना ही पड़ेगा। इस पे डाल के पानी भर के रख दिया और सारा दिन इससे पानी पीऊंगी, और पानी कम हो जाए, नॉर्मल जो पानी होते हैं पीने का पानी, आपका जो एक्वागार्ड का हो, फिल्टर का हो, आप जैसे पानी को बॉयल करके छान के रखते हैं वो पानी हो, जो भी पानी आप पीते हो, मिनरल वाटर हो, वो इस पे डाल के इसको रिफिल करके सारा दिन पीते रहिएगा। मैंने क्या किया, मैं कल सुबह नहीं कर पाई, कल बहुत बिजी थी, मंडे बहुत बिजी डे रहता है क्योंकि सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो सबका ही होता है, मंडे थोड़ा क्लीनिंग ज़्यादा रहते हैं, घर को अरेंज करके रखना पड़ता है, वो सब ज़्यादा ही करना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पाई। मैंने रात को इसको बना के फ्रिज पे रख दिया था, अब सुबह से बनाओगे तो फ्रिज पे रखना नहीं पड़ेगा, तो मैं रात को बना के फ्रिज पे रख दिए थे। सुबह से उठ के देखिए मैं पी रही हूँ, ऐसे बॉटल मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखूंगी, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस बॉटल का भी लिंक दे दूंगी। आई एम श्योर इंडिया पे भी मिलता है ऑनलाइन स्टोर से। ये डिटॉक्स वाटर बहुत ही अच्छा है, बहुत कूलर है, बहुत सूदिंग है, आप खुद के लिए शरबत ना बना सको तो ये आप पी सकते हो। इसमें कोई चीनी नहीं क्योंकि ग्लूकॉन डी ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज ही है, टैंग भी है, उस पर भी चीनी है, वो सब चीज़ आपका जो जो डायबिटिक है डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा देते हैं, और ये इस पर कुछ नहीं है, इस पर आप चीनी मत ही डालो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि चीनी डालोगे तो इसका जो गुण है वो ख़राब हो जाता है। डिटॉक्स वाटर का बहुत सारा रेसिपीज़ है, आप स्ट्रॉबेरी डाल के, ग्रेप्स डाल के, दालचीनी डाल के, एप्पल डाल के, बहुत सारा है, कोई भी फ्रूट आपका पसंदीदा जैसे ऑरेंज डाल के, सिट्रस फ्रूट वो डाल के आप पी सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला ही पसंद है, इस पे फ्लेवर भी रहता है। और मैं एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ, इसका तो मैंने बोल दिया रेसिपी आपको, 3-4 स्लाइस खीरा, 1 स्लाइस लेमन, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पुदीना के पत्ता और इतना सा जिंजर डाल के आप इसको पानी भर लो और पीते रहो, ऐसे नहीं आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और फिर पानी रिफिल करके पीते रहो, ये आपके खुद के लिए अकेले के लिए सफिशियंट है। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, पूरा फैमिली मिलके आप डिटॉक्स वाटर पियोगे तो मैं दिखा देती हूँ कैसे कंटेनर चाहिए। और एक बात मैं बोल रही हूँ,
अभी समर सीजन इतना बढ़ गया है, तो आप लोग फ्रूट खाओ, पानी पियो और ज़्यादा से ज़्यादा शरबत ये सब चीज़ें पियो, लेकिन बाहर का स्क्वाश, रसना, टैंग बोलो, ग्लूकोज बोलो, ऐसे मतलब बच्चों के लिए ये सब ठीक है, ग्लूकोज ये सब ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए ग्लूकोज, टैंग, बाहर का रसना ठीक नहीं है। और कोल्ड ड्रिंक पीने से हमें फील होता है कि ठंडा लग रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कोई आपका बॉडी को, आपका माइंड को, मतलब कुछ भी अच्छा कुछ नहीं देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पे केमिकल भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ऐसे चीज़ पियो, डिटॉक्स वाटर पियो। डिटॉक्स मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन, आपका बॉडी पे जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाता है इस पानी से, और ये सभी पी सकते हैं। पहले पहले थोड़ा स्मेल, फ्लेवर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगा। और जो कुकिंग करते हैं, घर पे रहते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो सारा दिन ये पिए, खुद को डिहाइड्रेट ना होने दे, हाइड्रेट रखे, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए, आपको तंदूरी चिकन का मैंने बोल दिया रेसिपी, मैं दे दूँगी, इसका भी मैंने बोल दिया, और सनफ्लावर सीड्स का जो मैं बोल रही हूँ उसका भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, वो भी मैं दे दूँगी। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा है ना ये चीज़, ये भी मैंने वॉलमार्ट से लिया था, देखिए, ये पायोनियर ओमेन बोल के एक ब्रांड है, उससे लिया, बहुत सुंदर सा चीज़ है, अभी मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि आज से मैंने ये डिटॉक्स वाटर पीना शुरू कर दिया, तो अभी इसको, ये कांच का है, सामने ऐसे टैप है, इस पे खीरा डालिए, इस पे पुदीना, अदरक, नींबू का स्लाइस डाल के फिल कीजिए, और घर पे सबको बोलिए इससे पानी पीने के लिए। तो ये पूरा दिन का एक फैमिली का जितना पानी का रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल कर देता है। गर्मी में कभी कभी डिहाइड्रेशन होने से पेट खराब होता है, फीवर होते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या हुआ है। और अननेसेसरी चीनी मत पीजिएगा और मत खाइएगा, अननेसेसरी पानी पे चीनी मिला के खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। शरबत भी आप कोशिश कीजिएगा शुगर फ्री से बना सके, स्टीविया पाउडर अच्छा होते हैं, शुगर फ्री ऐसे अच्छा नहीं है, जो स्टीविया पाउडर मिलते हैं मैंने देखा वो स्पेंसर पे भी मिलते हैं छोटा छोटा पाउच पे। अगर हो सके आपको चीनी का क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो तो इससे आप मिला के पी सकते हैं शरबत बना के, नहीं तो ये डिटॉक्स वाटर के लिए यूज़ कीजिए। तो चलिए आज से डिटॉक्स वाटर पीना शुरू करते हैं, और इस बॉटल का मैं ढूंढ के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आप डिटॉक्स वाटर पीना चालू करें तो मेरे चैनल पे आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस किस को इस आइडिया अच्छा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। ये आप एक वीक पीजिए, एक वीक पी के मुझे बताना कि कैसे लग रहा है आपको, जैसे अंदर एक सूदिंग कूल इफेक्ट होता है। नेचर हमें सब कुछ देखे रखा है ना, समर सीजन पे कौन सा वेजिटेबल खाना चाहिए, कैसे कुछ पीना चाहिए, तो हमको सिर्फ यूटिलाइज करना आता है। हम सभी सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे वी यूट्यूबर्स आर मेनली इन्फ्लुएंसर, तो कभी कभी यूट्यूब वीडियोस देख के, आजकल सभी लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, देख के कभी कभी एक बूस्टअप हो जाता है कि पीछे से एक पुश आता है कि इस वीडियो से ऐसे दिखाया तो मैं भी करूँगी। हम सीखते हैं ना यूट्यूब देख के, गूगल देख के, बुक्स पढ़ के, फ्रेंड्स से सारा कुछ सुन के, अपने पेरेंट्स से जो उनका भी नॉलेज है, ऐसे बहुत सारा वेरियस सोर्सेस है, उससे हम सीखते हैं। एवरी डे इज लर्निंग प्रोसेस। तो आज मैं ये दिखा रही हूँ, आप अगर ये खरीदो, अगर ये पियो, तो मुझे याद करना एक बार और कमेंट कर देना, मैं खुश हो जाऊंगी। तो अभी मंगलवार दोपहर हो गया है, अभी दोपहर का 12 बज गया। मैं ये ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगे ये ब्लॉग, मेरा बारबेक्यू का टिप्स,
मेरा जो सनफ्लावर सीड्स का जो रेसिपी वो अच्छा लगे, डिटॉक्स वाटर का आइडिया आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक करने से आपका भी कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ मेरा बहुत कुछ आता है लाइक करने से। हम लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलते हैं कि इतना लाइक्स मिला, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मेरे साथ थोड़ा गपशप कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस डिटॉक्स वाटर के साथ इस ब्लॉग का अभी एंड करती हूँ। बहुत अच्छा रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, हैप्पी रहिएगा।